होमगार्ड के जवानों को हम चाहेंगे कि थोड़ा धैर्य रखें। ये सारे मामला सरकार के संज्ञान में है, सरकार काम कर रही है। एक साल पूरा कोविड में परेशान थी सारे लोग, आप जानते हैं। अभी 2 महीना हुआ है, हाउस चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यस्तता है, सरकार व्यस्त है। आपकी बातों को ध्यान में रखा जा रहा है और हम लोग सरीके विधायक भी सरकार को उसको संज्ञान में दे रहे हैं, सरकार को अवगत कर रहे हैं। आप धीरज रखिए, थोड़ा सहन शक्ति रखिए, आपका समाधान निश्चित रूप से होगा। आपकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। हम तो कह रहे हैं कि मेरे साथियों से मेरा आग्रह है कि थोड़ा धैर्य रखें। हम लोग सारे लोग और सरकार को भी हम लोग अवगत कराएं, हम लोग भी उनकी चिंता के साथ हैं। होमगार्ड के जवानों को भी कहा, पारा शिक्षकों को भी। तो उखाड़ दो, जो करना है करो, उसको उखाड़ना है, मूली लगाना है, उखाड़ना है, क्या करा है करे। भाषण बोलना, बोले ना कि धैर्य रखें थोड़ा सा, हम रखें उसको बताइए कि बंधुत्री के बोलो को समय धैर्य रखेगा। यही धैर्य नहीं रखने के चलते ऐसा हुआ है। हम जब मंत्री थे तो उसके लिए सारे चीज़ हो रहा है, वो हड़बड़ा के करने चलते ना, तो आज ये समाधान हो जाता है उन लोग को। इसलिए बोलिए कि बंधु तिर्की ने विशेष आग्रह किया, आप धैर्य रखें।